मैं उदीप शिंदे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का एपिसोड कुछ इस तरह की फोटो पर होने वाला है, इसके लिए मेरे वीडियो को पूरा देख लो। और अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर दो। तो मैं इधर से सब कुछ हटा देता हूँ अभी, क्योंकि आपको फिर से करके दिखाने वाला हूँ। ये टेक्स वगैरह रहने देता हूँ। अब हम इधर से मैं डिलीट करता हूँ। इसका साइज हमने वेट रखी है 18 और हाइट रखी है 23, रेजुलेशन है 300। तो चलो शुरू करते हैं। इस पिक्स को हमें इसका कटिंग करके उस लेयर पर लेके जाना है। तो सीधा मैं क्विक सिलेक्शन पर क्लिक करता हूँ, ऊपर से सिलेक्ट सब्जेक्ट पर क्लिक करता हूँ। ये थोड़ा लोड लेता है। तो कंट्रोल जे करता हूँ, ये हो गया हमारा सिलेक्शन। ये लेके जाता हूँ मैं इधर, यहाँ पे इसको सेट करते हैं। अरे दूसरा पिक के इसको थोड़ा शार्पनेस कम है, तो हम इसे कैमरा रो में लेके जाते हैं। देखो जब भी कुछ ऐसा पिक्स होते उसको हम स्ट्रक्चर, क्लैरिटी, कंट्रास्ट बढ़ा देंगे तो अच्छे दिखते हैं। मैंने इसका पहले से एक रेंज बना के रखी थी, फिर से मैं आपको बना के दिखाता हूँ। सिलेक्ट सब्जेक्ट पर उस टाइप ही बना लेना है हमें। क्विक सिलेक्शन के सहारे आपको सिलेक्ट कर रहे हो तो आप ध्यान रखिए, थोड़ा बहुत पार्ट रह जाते हैं। तो जूम करके देख लो एक बार। कंट्रोल ज़्यादा बदलेंगे इसका एक रेंज बन जाएगा। इसे नीचे वाले लेयर पर लेके जाएंगे, थोड़ा बड़ा कर देंगे। अब इस पर हमें काम नहीं करना, इसको हम हाइड कर देंगे। अब हमें बैकग्राउंड ऐड करना है, इसलिए प्लेस एम्बेड पर क्लिक कर देंगे। हमने एक बैकग्राउंड इसके लिए डाउनलोड किया है। आपको पिंटरेस्ट, गूगल, पिक्सल कॉम, उधर आपको इस सारे बहुत बैकग्राउंड मिल जाएंगे। हम इसे ओके करते हैं। अभी देखो हमें इसे ब्लर करना है थोड़ा। जब भी आप डबल एक्सपोजर बना रहे हो तो बॉक्स पर ब्लर ही डालना। ओके, बॉक्स ब्लर से बहुत अच्छा लुक आता है फोटो पर। इसका डबल कॉपी बना लेना है, क्योंकि इधर उधर बहुत हो जाएगा तो फिर से हमें कटिंग दोबारा करनी नहीं पड़ेगी। इधर सेट कर देंगे, थोड़ा बड़ा कर देंगे। नीचे से हमें मास्क लेना है, इधर से ब्रश टूल लेना है। और ये आए हुए पार्ट पर ऐसे ब्रश फेरना है। ये डॉटेज दिख रहे हैं उधर। इसे आपको एडजस्ट करना है। ये देखो ज्यादा ठीक नहीं लग रहा, हमें नीचे से इधर ब्लैक शैडो डालना है तो भी नहीं दिखेगा ज्यादा। अब हमें ऊपर वाला पिक्स एडजस्ट करके लेना है, इसलिए हम बैकग्राउंड पे जाएंगे। बैकग्राउंड का एक कॉपी कर देंगे कंट्रोल जी के सहारे, नीचे वाला हाइड कर देंगे। इरेजर टूल लेंगे, इरेजर टूल लेंगे, हमें निकालना है ऊपर वाला पहाड़ है वो निकालना है, इसलिए हमें इरेजर टूल लेना है। फ्लो आपको रखना है 80, 88 ऊपर से फिर।
बहुत हल्के हाथ से फेर रहे, ज्यादा नहीं। अब हम और नीचे वाला पिक्स ओपन कर देंगे, इसको भी सेम इरेज करना है नीचे से। इसको हम ल्यूमिनिसिटी अप्लाई कर देंगे, ऐसे हमको इसका फिल कम करना है। इसका फिल हम कम कर देंगे तो देखो ये हमारा इधर ही पिक रेड हो जाता है। अभी हमको ये नीचे वाला बहुत खराब लग रहा है तो इस पर आएंगे और ब्रश का साइज बड़ा कर देंगे, ऑपेसिटी कम कर देंगे। ऐसे ऐसे करना है ताकि ये पिक न लगे। अब इधर नीचे वाले प्लस के आइकॉन पर हमें क्लिक करना है, एक एम्प्टी लेयर बनाना है, इधर से ग्रेडिएंट लेना है। ग्रेडिएंट में जाके हम बेसिक में जाके दो नंबर वाला सेलेक्ट कर देंगे और इधर से ब्लैक कलर सेलेक्ट करके नीचे से ऊपर लाएंगे। ऊपर लाके हम इसको ऐसा बड़ा कर देंगे और हल्का सा ओपेसिटी कम कर देंगे, थोड़ा इसको ओपेसिटी कम कर देंगे, ज्यादा ब्लैक नहीं लगे। तो अभी मैंने वो टेक्स ऐड कर दिए थे, आप भी टेक्स ऐड कर सकते हो आपके कपड़ का जो भी नाम हो। तो इधर टेक्स ज्यादा दिखने रहते थे इसलिए मैंने इधर से एक शेप डाला था उसके नीचे ब्लैक का, उसे इस तरह से डाला था, उसको रस्टराइज कर दिया और इरेजर टूल के सहारे इसको एक कट डाला था इधर। ओके करता हूँ, इसका भी थोड़ा ऑपेसिटी कम करता हूँ। ये इधर हमारा डबल एक्स वगैरह इफेक्ट रेडी हो गया है, इसको हम थोड़ा सा इफेक्ट डाल देंगे। नीचे जाके कलर बैलेंस लेके हमें इसको थोड़ा एडजस्ट कर, देखो जैसे आप जो कोई लगेंगे इधर थोड़ा बहुत इफेक्ट रेड हो जाएगा। आपको आपके फोटो के हिसाब से आपको इफेक्ट डालना है। देखो ये कितना भारी टोन आ रहा है इधर, आपको थोड़ा बहुत समझ के लेना है। वीडियो मोबाइल में स्टार्ट करो और आप उसे देखकर आगे काम करो पीसी पे, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। एक बार देखोगे तो ये समझ में नहीं आएगा, थोड़ा आपको टाइम उस पर लगाना पड़ेगा। अब इधर थोड़ा इमेजिन करना है, हमें इधर बोल डाल देंगे क्या और क्रिएटिव कर सकते हो, कर सकते हो जिससे आपको लगे ऐसे कर दो, ऐसा नहीं कि मेरे जैसे ही करना चाहिए। देखो बर्ड डाला तो बहुत अच्छा लुक इधर आ रहा है इस फोटो को। इसी वीडियो के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरे को बहुत सारा सपोर्ट कर दो।